frustrated from your job, you come back home after a tiring day, open your laptop, scroll down YouTube and watch those endless travel videos and think to yourself, यार सही है यार, इन ट्रैवल व्लॉगर्स का बस ट्रैवल करते रहो, वीडियोस डालते रहो, ऐसे ऐसे कहाँ फंस गए हो यार मैं अपनी लाइफ में। क्या आपको भी लगता है ट्रैवल व्लॉगर्स की लाइफ बहुत ग्लैमरस है? क्या आप भी अपनी जॉब छोड़ के ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहते हैं? Then you need to keep watching this video. तो किसी भी जॉब की तरह ट्रैवल व्लॉगिंग के जॉब के भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं, एंड प्रोज की चर्चा आपको इंटरनेट पे काफी मिलेगी, लेकिन कॉन्स का जिक्र जरा थोड़ा कम होता है, which is why I am bringing you this video. 2019 की बात है जब मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जॉब छोड़कर ट्रैवल व्लॉगिंग को फुल टाइम परस्यू करने का डिसीजन लिया, एंड 2020 में पैंडेमिक के चलते आई डाइवर्सिफाइड इनटू अ लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ वीडियोस, एंड अब चैनल पे आई थिंक अराउंड 170 ट्रैवल वीडियोस प्लस अदर वीडियोस होने के बाद, आफ्टर विजिटिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस, चाहे वो माउंटेन्स हो, बीचेस हो, इनफैक्ट रिसेंटली आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप टू 3 साउथ एशियन कंट्रीज, एंड वहां मैंने सब कुछ खुद ही फिल्म किया, आई वाज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग बाय माय सेल्फ, एंड ये सब करने के बाद I want to bring this video to share some realities behind travel vlogging. तो अगर आपको लगता है that it's all about wearing fancy dresses and smiling in front of tourist destinations, तो शायद आप थोड़ा गलत हो. और अगर आपको लगता है it's all about getting sponsored trips or getting paid to travel, तो शायद आप थोड़ा सा सही भी हो सकते हो. और ये पता चलेगा आपको वीडियो के एंड में. So stay tuned till the end of the video. It's going to be very insightful. And now let's break down some myths about travel vlogging. और क्योंकि बात ट्रैवल की हुई है तो हम यहाँ कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेट मी टेक यू टू वन ऑफ माई फेवरेट अर्ली मॉर्निंग डेस्टिनेशंस इन दिल्ली, विच इज लोधी गार्डन. सो आई एम ऑल सेट विद माई कैमरा बैग, विच इज आवर फर्स्ट पॉइंट दैट योर इक्विपमेंट्स कैन गेट रियली हैवी. आई मीन आप फोन से भी स्टार्ट कर सकते हो ट्रैवल व्लॉगिंग, बट आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स. जैसे अभी मेरे पास है मल्टीपल कैमराज, मल्टीपल लेंसेज, ड्रोन्स, लैपटॉप जो हमेशा कैरी करना होता है टू एडिट ऑन द गो, एंड अ लॉट ऑफ लाइक बंच ऑफ अदर इक्विपमेंट्स. तो द वेट ऑफ दिस कैमरा बैग समटाइम्स इट जस्ट ड्रेन्स मी आउट. आई मीन कैन यू इमेजिन ट्रैकिंग विद दिस हैवियर कैमरा बैग? तो ऐसे सिनेरियोज में आई प्रेफर यूजिंग स्मॉलर कैमराज, जैसे कि एक्शन कैमराज. एंड स्पीकिंग ऑफ एक्शन कैमरा, आई रिसेंटली गॉट माई हैंड्स ऑन द DJI Action 2 डुअल स्क्रीन कॉम्बो. सो आई बीन टेस्टिंग इट आउट सिंस द लास्ट फ्यू डेज, एंड मुझे लगा आज लोधी गार्डन चलते हैं और आपको थोड़ी फुटेज दिखाते हैं शॉट बाय दिस. यू कैन लिटरली सी जस्ट द कैमरा, हाउ टाइनी इट इज. आई कैन फिट इट इन माई पाम एंड इट वेज ओनली 56 grams. एंड मैग्नेट के थ्रू आप इसको एक डुअल एक स्क्रीन से अटैच कर सकते हो, एंड यू कैन व्लॉग एंड सी योर सेल्फ. एंड लेट मी टेल यू, एज टाइनी एज दिस लुक्स, इट्स स्टिल वेरी फीचर रिच. जैसे इट कैन शूट 4K अप टू 120 FPS, विच इज ऑसम इन केस ऑफ ट्रैवल सिनेरियोस. बहुत से और फीचर्स हैं, सो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं एज वी गो ऑन. सो लेट्स गो एंड लेट मी टेल यू मोर अबाउट ट्रैवल व्लॉगिंग वंस वी रीच देयर. ये जगह परफेक्ट लग रही है. नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं. कुछ ज़्यादा ही लोग हैं यहाँ, नहीं बोल सकते हैं, बहुत शोर है. सो लाइक यू कैन टेल वी हैव मेड इट टू लोधी गार्डन्स, एंड द सेकेंड पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस इज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड दैट टू पब्लिकली. सो हाउ ट्रैवल व्लॉगिंग स्टैंड्स अपार्ट, लाइक हाउ इट्स डिफरेंट एंड मोर चैलेंजिंग इन दिस टर्म इज दैट विद ट्रैवलिंग एंड विद व्लॉगिंग आउटसाइड कम्स अ लॉट ऑफ shore, a lot of noise that you might hear right now, a lot of people, and with that comes a lot of consciousness and also sweat sometimes, especially when it's hot in Delhi. So I think it's a good thing in the long run, kyunki aapki public confidence, public speaking skills improve ho rahi hai. Lekin 3 saal ke travel vlogging karne ke baad bhi, like you can tell, I am conscious while vlogging in public, and that's just something that you should know before starting out. And ऐसी situations में what I prefer to do is to carry a camera setup which is not very intimidating, which is where I really really liked this DJI Action 2, because you can like I said, it's so tiny, and if you remove this, it's literally just this land guard that comes with DJI. This accessory is so cool and magnetic.
I can wear it and record. And it won't even be noticeable, hopefully. And hopefully stable. Let's check that. I'm not sure if you're supposed to run after wearing this, but it's okay, we can test it out. I should stop recording it. Actually, it brings me to the next point, which is that your fitness levels get tested. Now, traveling in general is exhausting, but in general, if you have to keep a tourist destination for 1 hour, then travel vloggers can also take 2 to 3 hours because you're experiencing the place, you're filming, you're talking, you're doing so many things all together, and on all times, a level of fitness maintain is necessary. Again, it's good in a way because it pushes you to maintain those fitness levels in your regular life, and I also try to make those conscious efforts. लेकिन हाँ, एक डेस्टिनेशन पे जाके सच में पता चलता है अपने फिटनेस के बारे में, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो एंड यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग ऑन योर ओन, सो इट्स जस्ट समथिंग दैट यू शुड हैव इन माइंड अबाउट ट्रैवल व्लॉगिंग. हे सोश, हाउ डज योर डे लुक लाइक? हाउ यू लुक लाइक डिफाइंस व्हाट योर डे लुक्स लाइक. लुक एट द अमाउंट ऑफ बैग्स शी हैज. हाउ मेनी बैग्स डू यू हैव सोश? 1, 2 camera bag, 3. Is it shooting with me? Filming with me? No comments? Batana, how is it filming with me? Bahut acha frame and very nice light, yeah. You're looking very good. I'm not, I can see. You're looking oh my god. I completely forgot this has a screen where you can see yourself. Look, if you're vlogging and abhi I think wide mode pe hai, and if you're showing a place, and I think this should also give you a fair idea ki audio kaisa aa raha hai. Kya kar rahi hai यार? फुटेज रिव्यू कर रही थी मैं, एंड स्पेशली जो भागने वाली है, यू नो द वन वेयर आई वाज एक्चुअली वेयरिंग दिस, कंपेयर्ड टू हाउ यू नो इट वाज मूविंग, मुझे लगता है काफ़ी स्टेबल फुटेज आ गई है. टॉकिंग ऑफ दैट, यू नो इट रिमाइंड्स मी ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट, जो ये है कि यू आर ऑलवेज वर्किंग, यू आर वर्किंग ऑन द गो. जब आप ट्रैवल व्लॉगिंग करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, एंड दैट हैज़ बिकम योर जॉब, राइट? सो वो ट्रैवल करने का पार्ट भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ वर्क डे, एंड उस बीच भी काम करना होता है, लैपटॉप कैरी करना होता है, एडिटिंग डिवाइसेस कैरी करनी होती है. या समटाइम्स इट मे लुक लाइक वी आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, बट इन अ वे वी आर हार्डली ट्रैवलिंग. मुझे भी ऐसे लगता है अपने जॉब के बारे में. क्या लाइन मारी ना? देख, तूने 11 ना बहुत देर किया सुबह से, अब चुपचाप चाय बना और ऊपर टेरेस पे जाके ट्रैवल करते हैं, ठीक है? टेरेस पे ट्रैवल? अरे अरे, ये कौन सी चाय बन रही? कैमरा क्यों डाल दिया इसके अंदर? अरे एक सेकंड, दिस कैमरा वाटरप्रूफ है, 10 मीटर्स तक ये पानी में जा सकता है, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हैविंग इतने साइज के कैमराज, हैविंग एक्शन कैमराज, कि दीज कैन गो टू प्लेसेस यू कांट इवन इमेजिन पुटिंग देम टू. तो सिर्फ पानी डालने वाले शॉट के लिए मैं ये लेने वाली हूँ. आई जस्ट वांट टू सी कि कैसा आता है शॉट, एक अलग पीओवी मिलेगा. लेट्स ट्राई. चाय बनाते बनाते ना मॉर्निंग रूटीन वीडियो बनाने का मन कर गया, एंड यू नो ट्रैवल व्लॉगर्स के चैनल पे जनरली मॉर्निंग रूटीन क्यों नहीं होता? क्योंकि होता ही नहीं है मॉर्निंग रूटीन इन रियल, एंड दैट्स आर नेक्स्ट पॉइंट. यू नो इन जनरल ऑन यूट्यूब आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट अपने स्क्रिप्ट राइटर भी होते हो, वीडियो एडिटर भी होते हो, वीडियोग्राफर भी होते हो, मार्केटियर, सब कुछ आप खुद कर रहे हो अनलेस यू हैव अ टीम, राइट? एंड वो करते करते बहुत मुश्किल है दैट यू फॉल इन टू अ रूटीन, एंड स्पेशली अगर आप ट्रैवल यूट्यूबर हो तो स्पेशली आप किस जगह पे हो, किस टाइम पे, कुछ नहीं पता, कभी अर्ली मॉर्निंग उठना है तो कभी लेट नाइट तक शूट चल रहा है, एंड मतलब अभी तक 3 साल में आई फील लाइक आई हैवंट हैड अ स्ट्रक्चर्ड और अ वेरी रूटीन वाला लाइफ अनलेस लॉकडाउन था एंड मैं घर पे थी. एंड इसी के साथ साथ हमारी चाय रेडी हो चुकी है. यार विशा, वैसे एक बात तो है, बेशक हम दोनों ने सीए वाला काम छोड़ दिया, वो लाइन छोड़ दिया, अपने पैशंस पकड़ लिए, लेकिन वो लर्निंग्स बड़ी काम आ रही है यार लाइफ में, जो भी हम कर रहे हैं अभी उसके अंदर. नहीं, तुझे पता है मैं अपनी वो नॉलेज
किस चीज़ को कैलकुलेट करने में अप्लाई कर रही हूँ, ये कैलकुलेट करने में कि ट्रैवल व्लॉगिंग कितनी एक्सपेंसिव नीच है, कि चाहे वो कहीं ट्रैवल करने का कॉस्ट हो, चाहे वो ट्रैवल गियर हो, मल्टीपल कैमराज हो, मल्टीपल लेंसेज हो, ड्रोन हो, चाहे आप कितना ही कर लो, कितना ही कह लो, इट इज़ रिवॉर्डिंग एंड यू नो इवन दो ट्रैवल व्लॉगिंग ट्रैवल इज बिकम्स योर लाइफ स्टाइल, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग में इट्स अ गेम वेर यू हैव टू इन्वेस्ट मोर देन यू अर्न. एंड ये बात सच है कि एक पॉइंट के बाद स्पॉन्सर ट्रिप्स मिलती है, ये बात सच है कि एक पॉइंट के बाद यू इवन गेट पेड टू ट्रैवल, एंड ये दोनों चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं. बट दैट बींग सेड, इट्स स्टिल इन द बिगिनिंग, स्टिल यू हैव टू बर्न आउट कैश, यू हैव टू पुट मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट टू ट्रैवल एंड टू ब्रिंग आउट दैट कॉन्टेंट. एंड एक लेवल के बाद ही वो स्पॉन्सरशिप्स मिलनी शुरू होती है, एंड जब स्पॉन्सर ट्रिप मिलती है, इवन देन द ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड फॉर यू, बट यू डोंट एंड अप अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट? सो यू हैव टू गो इन हंट फॉर अदर प्रोजेक्ट, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट जहाँ पे एक प्रोडक्ट के बदले यू कैन प्रोवाइड, यू नो यू कैन डू अ कोलैबोरेशन एंड अर्न मनी फ्रॉम इट एंड पे योर बिल्स. सो जस्ट मेकिंग ट्रैवल योर लाइफ स्टाइल और जस्ट ट्रैवलिंग वोंट पे योर बिल्स. एंड इस वजह से ट्रैवल व्लॉगिंग मुझे लगता है इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नीड्स टू गेट इन टू. वो देख पता हूँ, एक सेकेंड, वो देखने का सही उठ रही है, एक मिनट यार, अरे एक मिनट देख लो, भाई एक मिनट, सनसेट रिकॉर्ड हो रहा है भाई, तेरा हर बार का यही यार, तू कर, तू रिकॉर्ड कर जा. इट्स ट्रू, होता है ऐसा कभी कभी. सो सी, ट्रैवल व्लॉगिंग करते टाइम ना यू डू मिस आउट ऑन मोमेंट्स एट टाइम्स. नाउ जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ पर्सन जो इवन बिफोर स्टार्टिंग ट्रैवल व्लॉगिंग आई यूज़ टू लव डॉक्यूमेंटिंग मोमेंट्स स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग. सो मेरे लिए इवन आफ्टर डूइंग ट्रैवल व्लॉगिंग इट केम वेरी नेचुरली, बहुत नेचुरली मुझे अच्छा लगता था. बट वेरी रिसेंटली ऑन माई सोलो ट्रिप टू साउथ ईस्ट एशिया, स्पेसिफिकली बाली, मुझे ये रियलाइजेशन हुई दैट कुछ मोमेंट्स इतने स्पेशल होते हैं और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप या तो एक्सपीरियंस कर सकते हो या तो रिकॉर्ड कर सकते हो. एंड उन टाइम्स पे यू डू एंड अप मिसिंग मोमेंट्स वाइल मेकिंग वीडियोस, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ट्रैवलिंग एंड मेकिंग ट्रैवल वीडियोस आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड इट बॉयल्स डाउन टू योर पर्सनल चॉइस. एंड जो भी ट्रैवल व्लॉगर्स आपको दिखते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, सीनरीज इन्जॉय कर रहे हैं, उसके पीछे इन द बैक ऑफ देयर माइंड, उनके माइंड में चल रहा होता है कि क्या फ्रेम सही है, क्या फ्रेम हिल तो नहीं गया, ट्राईपॉड पे जो कैमरा लगा है वो ठीक से रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है. सो यस, दैट्स ट्रू. दीज वर द 7 पॉइंट्स अबाउट ट्रैवल व्लॉगिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू पुट फॉरवर्ड. नाउ इन नो वे आई एम डिस्करेजिंग एनी वन टू स्टार्ट और कंटिन्यू ट्रैवल व्लॉगिंग, दिस वॉज प्योरली टू शो सम रियलिटी. एंड I really wish that people from all across, I mean people from different fields, share how it's to be say a chartered accountant or working in a corporate, being an engineer, you know, so that jo bhi wo cheez ko pursue karna chahta hai gets like becomes more mindful of taking that decision. And that's the only reason of making this video, and I feel like it all boils down to self-awareness, ki you do what works for you. Agar jo bhi maine aapko realities dikhai, if all of that works for you and if you want to put in all that effort, go ahead and pursue it, because like I said, it definitely is very rewarding, and travel being your lifestyle, it does seem like a dream job. And if that's the kind of lifestyle that you see for yourself, go for it. With that being said, that's the end of this video. I hope you found it insightful, and I hope you were also able to appreciate what goes behind making videos. And if you did, do not forget to hit that like button, subscribe to my channel, and I will see you in the next one. Bye. यार जोई सिर्फ दिखता है एफर्टलेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट है. थैंक गॉड तूने और मैंने कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिया. अगर लेना होगा तो सोच समझ के लेंगे यार. Go all the time and on the road all the time. Say, I just नहीं चलेगी. पॉइंट क्यों तूने वो किया यार. ये होता है यार, बहुत बार रीटेक्स लेने पड़ते हैं व्हेन पीपल लाइक हर इंटरप्ट. सो एज आई वाज सेइंग, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस. गिविंग यू अनदर पॉइंट. ओ माय गॉड, आई वाज सेइंग इट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस. क्या हो रहा है, मैं को हंसी आ रही है. कभी कभी कैमरा सेट करके पॉइंट बोलना भूल जाते हो. पॉइंट क्या था, फिर चाय है नहीं, मैं तो खाली हो चुकी हूं. ऐसे ऐसे ही छोड़ छोड़ कर रही हूं. मैं क्या करूं, struggles of travel vlogging. तो गया यार, रिकॉर्ड मत कर. देते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. क्या आपको भी लगता है ट्रैवल व्लॉगर्स की लाइफ बहुत क्या लाइन वाली ना. चल ठीक है, अब ट्रैवल पे चलते हैं. ट्रैवल पे चलते हैं, पेरिस पे चलना है. ट्रैवल पे. सॉरी सॉरी, वी डिड इट. हाई फाइव. वाओ, सो हमने कर दिया हाई फाइव.